सन 2020 को इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सन 2019 जाते जाते हमें कोरोना दे गया और 2020 दिसंबर के आने तक भी कोरोना से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सका। 2021 में जहां 5G नेटवर्क पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका होगा, वहीं कोरोना की वैक्सीन जनरेटेड इम्यूनिटी हमारे लहू में दौड़ रही होगी। 2020 की शुरुआत शाहीन बाग के आंदोलन से हुई थी और 2020 का अंत किसान आंदोलन से होगा। इस तरह अगर हम देखें तो 2020 पूरा ही उथल पुथल से भरा रहा। कोई अगर अच्छी बात 2020 में हो रही है तो वो ये कि 2020 जाते जाते हमें कोरोना की एक वैक्सीन देकर जा रहा है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, इन पर जरा गौर कीजिएगा। 21वीं सदी में प्रवेश करते ही दुनिया को सार्स वायरस मिला। फरवरी 2003 में यह चाइना में आया और लगभग 29 देशों में फैल गया और लगभग 774 लोगों की मृत्यु हुई। 2008 में एक रिसेशन आया, अर्थात आर्थिक मंदी, जिसने अमेरिका के उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ की कुछ बैंक भी बंद हो गई, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला और जिससे बाहर निकलने में कई वर्ष लग गए। 2009 में स्वाइन फ्लू की वजह से लगभग 284,000 लोगों की मृत्यु हुई। अब 2020 में कोरोना वायरस आया है जिससे अभी तक 16,84,000 लोग लगभग मर चुके हैं। दिसंबर 2020 तक कोरोना दुनिया के आखिरी छोर कहे जाने वाले अंटार्कटिका तक पहुंच गया। इस तरह अगर हम इन पैटर्न्स पे ध्यान दें और उनका अच्छे से अध्ययन करें तो हम समझेंगे कि 21वीं सदी में हर 8 से 10 साल में हमें कोई ना कोई विपत्ति दुनिया को झेलनी पड़ रही है। और अगर इस तरह से सोचें तो 2030 तक हो सकता है हम फिर से किसी ऐसे ही संकट से गुजर रहे होंगे, तो क्यों ना हम उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू करें। अब बात करते हैं 2020 की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों के बारे में। मुझे बताइए, अगर 2020 के बारे में एक शब्द में कहना हो तो आप क्या कहेंगे? आपने 2020 में क्या हासिल किया? अगर इसको बताना हो तो एक पंक्ति में कैसे आप कहेंगे? बड़ी बड़ी परियोजनाओं से भी गंगा नदी का जल उतना स्वच्छ नहीं हुआ जितना लॉकडाउन में हो गया। वायु प्रदूषण की वजह से हमेशा चर्चा में रही दिल्ली, लॉकडाउन में वहां की हवा में एक नई ताजगी का संचार हुआ। तो क्यों ना हम प्रत्येक वर्ष 10 से 15 दिनों का ऐसा लॉकडाउन लगाएं जिससे प्रकृति भी सांस ले सके और हमें भी आराम मिले। वैसे भी हम बहुत सारी छुट्टियां तो मनाते ही हैं। इस लॉकडाउन में हमने अपने घरों को ऑफिस बना लिया, कुछ लोगों ने घरों को स्टूडियो बना लिया। क्या कभी सोचा था आपने कि अगर लॉकडाउन नहीं होता आप अपने घर को स्टूडियो या ऑफिस के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, अर्थात बच्चे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई करना सीख गए। अगर हम इस तरह से देखें तो कोरोना ने हमें काफी एडवांस बना दिया।